क्या आपको पता है कि अपने गोला यानी अर्थ का वेट कितना है? नहीं पता ना? अब भैया आए हैं तो वीडियो पूरा देख के जाइएगा, मज़ा आएगा। तो वो है इतना केजीज। अब आप लोग बोलेंगे कि भैया कौन से तराजू पे नापे हो, तो हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ रहते हैं साइंटिस्ट जो कि बड़का बड़का मैथमेटिकल इक्वेशंस और लॉज ऑफ ग्रेविटी को फिगर आउट करके निकालते हैं वेट। तो यार देखो, अब इस चीज़ को मैं तो पढ़ नहीं सकता, आप लोग पढ़ पाए तो पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज आपको ऐसे ही कुछ ग्रह और नक्षत्रों के फैक्ट फेंक के मारते हैं। तो कभी आप लोग देखे हो कि बर्फ है और बर्फ गर्मो है, नहीं ना? तो हमसे 33 लाइट ईयर दूर एक ग्रह पाया जाता है जिसका नाम है ग्लियस 436b। अब इस पर गर्म बर्फ पाया जाता है भैया, बर्निंग आइस। अभी कैसे? तो ऐसे कि वहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से पानी बर्फ बन जाता है, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है 300 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से बर्फ जलने लगता है। अब देखो भैया, हमारे यहाँ ना एक ही सूर्य है और कभी कभार गर्मी तो इतना हो जाता है कि वो एक सूर्य 3 सूर्य के बराबर हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है हमसे 151 लाइट ईयर दूर एक ग्रह है जिसका एक्चुअल में 3 सूर्य है और उस ग्रह का नाम है HD188753। हाँ, यही ग्रह का नाम है। इसका मतलब अगर आप वहाँ खड़े होंगे तो आपकी 3-3 परछाइयाँ बनेंगे। हम तो यही सोच रहे हैं भैया कि वहाँ एलियंस कैसे रहते होंगे। अरे भैया, हमको क्या लगता है, उनको नवरत्न का एड में नहीं बोलते ठंडा ठंडा कूल कूल, वही लगा के रहते होंगे। तो भाई, हमसे मात्र 40 लाइट ईयर दूर एक ग्रह है जिसका नाम है 55 कैंसरी ई। पता है इसमें क्या खास बात है? नहीं पता ना? अरे भैया, ये ग्रह बहुत खास है। काहे कि ग्रह ना हीरा से बना, हीरा से। इस पे इतना हीरा है कि एक टुकड़ा भी आपको मिल जाए तो आप पूरी ज़िंदगी काट सकते हैं। भैया जी, हम तो यही सोच रहे हैं कि कभी ग्रह का एक टुकड़ा हमारा आंगन में गिरे और हम करोड़पति बन जाए। ज़्यादा लालच बुरी बला। और हाँ, आपको एक बात और बता दें इस ग्रह के बारे में कि इस ग्रह पे 1 साल 3 दिन का होता है। अरे भैया, इसका मतलब वहाँ हमारा बर्थडे हर 3 दिन पे आएगा? ए चुप कर रे, ये तो वैसे ही है। चलो मैं चलता हूँ। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब करके चलिएगा।